राम राम। ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का मतलब ये होता है तुम्हारे गली मोहल्ले में किसी टीचर ने कोचिंग खोली है, और या तो फिर हम अगर अपनी बात बताएं यार, हमने 70 रुपये में कोचिंग पढ़ी है हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में, और वहाँ पे हम टॉपर थे, और वो कोचिंग ऐसी थी दर्दनाक वाली, मतलब मारने के मामले में वो नंबर एक थे पूरे इलाके में, शोर था। और उस कोचिंग से तुम लोग को हम यकीन नहीं होगा, उस कोचिंग से 90% बच्चे जो है वो एयरफोर्स में, 90% हमें छोड़ के सब चले गए, ठीक है, और जबकि हम टॉपर थे वहाँ के। मेरा भी किसी रीज़न से नहीं हुआ, आंखों की वजह से और पैर का वो जो नौकनी होता है उसकी वजह से नहीं हुआ, वरना हम भी आज तुम लोगों के सामने वीडियो ना बना रहे होते। अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना ये ना हो पाता, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग आज की बात हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा पहले चलेंगे, सबसे पहले 2, 4, 5, 6 साल जब जियो नहीं था उसके पहले की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग से ही शुरुआत करी थी, जहाँ पे होता क्या था कि हमें बढ़िया बैठ के पढ़ाई होती थी, 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग होते थे आराम से बैठ के टीचर समझाता था, सीट दे देता था, वो हम लोग सॉल्व करते थे, और जो भी था ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन का कुछ ऐसा था नहीं। जब से पिछले 4 साल से ऑनलाइन की बाढ़ आई है, मतलब ऑनलाइन टीचर्स की बाढ़ आ गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने कितने टीचर निकल के आ रहे हैं, तब से ऑफलाइन कोचिंग हर तरीके की बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। हम लेकिन यहाँ पे कुछ किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करने आए, हम यहाँ सोल्यूशन के बारे में बात करने आए कि अगर तुम्हारा मन है कि तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या फिर तुम ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा टीचर है जो तुम्हारे लोकल का टीचर है, जिसको तुम जिसकी पढ़ाई तुम्हें ज़्यादा समझ में आती है और वो ऑनलाइन नहीं है, तब तुम ऑफलाइन कोचिंग जाके जरूर पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानोगे तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग को हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, हम कभी और सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो। क्यों ना करो, क्योंकि आजकल होते हैं 500-600 बच्चे एक बार में पढ़ते हैं, तो अगर तुम्हारा कोई डाउट भी है तो तुम पूछ नहीं सकते हो, मेन प्रॉब्लम यही है। और ऑफलाइन कोचिंग होती किस लिए थी कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट हम पूछ सकें, लेकिन आजकल वो ट्रेंड भी खत्म हो चुका है, आप पूछ नहीं सकते हो क्योंकि 500 की भीड़ होती है। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है कि आप वहाँ पर पूछ नहीं सकते हो, एटलीस्ट कॉमेंट तो कर सकते हो, वो पढ़ लेते हैं दोबारा समझा देते हैं। तो जो लोग भी अभी कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि कोचिंग ले लें, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए मेरी तरफ से ना है, ऑनलाइन कोचिंग करो। ऑफलाइन कोचिंग से क्या होता है हम तुम्हें बताते हैं, टाइम की बहुत बर्बादी हो रही है यार। क्या कैसे हो रही है, आजकल रील्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है, और हर टीचर वायरल होना चाहता है, हर टीचर। अब कुछ है जिनका एथिक्स बहुत अच्छे हैं, जिनको नहीं मतलब है, लेकिन 90% को वायरल होना है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जब कोचिंग में इंटर करते हो ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो कोचिंग से ज़्यादा एक मतलब वीडियोग्राफी के लिए जो एक स्टूडियो होता है वो ज़्यादा लगता है, हर तरफ कैमरे नज़र आएंगे, हर बच्चे के हाथ में कैमरा होता है, सब रील बना रहे होते हैं, तो कंडीशन ये आ जाती है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत है। और 3 घंटे की अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम जो आउटपुट वहाँ पर निकलेगा वो 45 से 50 मिनट का निकलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, ऑनलाइन में अपने प्लेस में रह के सिर्फ तुम एग्जैक्ट उतनी चीज़ें पढ़ते हो, क्योंकि देखो अगर कोई टीचर है वो टाइम पास कर रहा है, वो सिर्फ उसमें कर सकता है जब यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाल रहा है, लेकिन जब वो ऑनलाइन पढ़ाता है लाइव, तब वो कोई भी तरीके का तुम्हें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों, उसके सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है जिसको वो समझाएगा, उसके सामने सिर्फ कॉमेंट बॉक्स है जहाँ पे लोगों के डाउट आ रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, उससे तुम्हें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा प्रेफर करो। अगर कोई ऑफलाइन टीचर ऐसा है जो अभी भी 4 साल पहले वाली टेक्निक पर चल रहा है तो तुम उसके यहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 साल वाली टेक्निक में कुछ सुधार भी हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड आ गया, तुम्हारी पढ़ाई में आसानी हो गई, हम वो चीज़ नहीं कह रहे हैं, वो तो होना ही है सुधार, हम उसकी बात कर रहे हैं जो ये स्टूडियो बन चुके हैं आजकल जो कोचिंग है, जहाँ पे रील्स बनना है, शॉर्ट्स बनना है, इन सब कोचिंग को मत ज्वाइन करो। राम राम, जय।